भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर श्री विश्वकर्मा पूजन उत्सव का आयोजन जटाशंकर स्थित श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित मंदिर के पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान विश्वकर्मा मंदिर में पूजा अर्चना किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने विश्वकर्मा दिवस और सभी शिल्पाओं और अभियंताओं को बधाई दी और कहा कि भगवान विश्वकर्मा आदिशिल्पी के रूप में जाने जाते थे। किसी भी निर्माण में भगवान विश्वकर्मा की पूजा से अभी कार्य पूरे हो जाते हैं। वर्षों के बाद इस वर्ष भी जैसा कि परंपरा रही है, गोरखपीठ का आशीर्वचन हम सब वर्तमान के इस पूरे देश से के सबसे लोकप्रिय मंत्री परम पूज्य महाराज जी का विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में स्वागत हुआ है। पूज्य महाराज श्री परंपरा को निभाते हुए इस विश्वकर्मा समाज को आशीर्वचन देने आए हैं। इतना व्यस्त समय में महाराज जी का हृदय विराट है और विशेष करके इस विश्वकर्मा समाज के प्रति और परम पूज्य परमधीय महाराज जी विश्वकर्मा समाज के प्रति हमेशा और हम सब ऋणी रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। यही कारण है कि चाहे जिस भी रूप में सहयोग की आवश्यकता हो, विश्वकर्मा समाज कभी भी गोरखपीठ बधाई देता हूँ। पिछले 25 वर्षों से मेरा इस मंदिर में आना जाना रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि इस परीक्षा को आप सब ने करने का प्रयास किया है। भगवान विश्वकर्मा आदि शिल्पी माने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से सामान्य रूप से लोग किस रूप में मानते हैं, लेकिन विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश के अंदर हर वर्कशॉप में, हर कार्यशाला में, हर बड़े संस्थान में भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है। जहाँ कहीं भी कोई नया शिल्प तैयार हो, कोई नया आर्किटेक्ट बनाने की बात होती है, तो भगवान विश्वकर्मा का स्मरण सदा ही लोगों के मन में वो उठता है। ये भारत की तकनीकी ज्ञान का
लिए गौरव कर सकते हैं कि भारत के उस आधुनिक तकनीक के साथ आप सब जुड़े रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उस परंपरा को बनाए रखा है, बहुत सारे लोग उस परंपरा के साथ जोड़ करके कुछ नए क्षेत्र में प्रवेश भी किए, लेकिन एक अच्छा प्रयास है। मैंने दयानंद सरपंच से कहा है कि विश्वकर्मा मंदिर और उसके आसपास के सुंदरीकरण की अच्छी कार्य योजना इनको बनानी चाहिए। हम लोग उसको सरकार की तरफ से ही उसमें मदद करेंगे और ये परंपरा इसी प्रकार से छोड़े बनी रहे, इसके लिए मैं आप सबको एक बार पुनः बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वास अपनी धरोहर के संरक्षण के साथ ही उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।